ये बात 1948 की है। पूरा कराची शहर दंगों की आग में झुलस रहा था, बस्तियां जलाई जा रही थी, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। इन सब के बीच एक शख्स ऐसा था जिसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो वहां से सब कुछ छोड़कर कहीं दूर जाना चाहता था और एक दिन वो कराची से भाग गया। किसी तरह वो हिंदुस्तान के आज के मुंबई शहर पहुंचा और वहां से शुरू हुई उस शख्स की कामयाबी की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसने उसे वकालत के खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी बना दिया और वो नाम है राम जेठमलानी। The lone person in this country who has been fighting for black money for the last 10 years all alone, no help from any quarter, and it is time that this house sat and heard me for a while. If you insist on this 4 minutes rule, I think you are making a joke of the proceedings of this house, and I will walk out. किसी भी मुद्दे पर बेबाक राय रखने वाले राम जेठमलानी का यही वो अंदाज है जो उन्हें देश का सबसे बड़ा वकील होने का दर्जा दिलाता है, जो उन्हें सबसे अलग, सबसे आगे और सबसे लोकप्रिय वकीलों की कतार में खड़ा करता है, जो उन्हें राम जेठमलानी बनाता है। इनके संपूर्ण व्यक्तित्व को अगर मैं चंद पंक्तियों में पेश कर सकता हूं तो इस तरह पेश कर सकता हूं कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये है हमारे राम जेठमलानी। मेरे पूरे करियर के दौरान में ये बड़े से बड़े वकील मेरे सामने अपीयर हुए हैं, मैंने राम जेठमलानी जैसा वकील नहीं देखा। यानी इतना वर्सेटाइल और ये यानी जो हर एक फील्ड में एक वर्चस्व रखते हैं, एक हस्ती हैं और कमांड है उनको हर एक फील्ड। आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द नोबलेस्ट फ्रेंड्स आई हैव एवर हैड एंड आई एम वेरी प्राउड टू काउंट हिम अमंग माय फ्रेंड्स। आई शुड से आई एम लकी टू हैव अ फ्रेंड लाइक दैट, हु इज़ सो ह्यूमैनिटेरियन, हु इज़ सो वाइज एंड हु इज़ सो फ्रेंडली एंड आउट टू हेल्प एनीबडी इन नीड विदाउट एनी मॉनेटरी रिक्वायरमेंट्स। जिनका दोस्त हैं उनसे बढ़िया दोस्त मिल नहीं सकता, और जिनके साथ उनकी दुश्मनी होगी वो उनका पीछा नहीं छोड़ता है। जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री में लोग आते हैं तो हर एक आदमी अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान बनना चाहता है, वो उनका इंस्पिरेशन होता है। ऐसी लीगल फील्ड में जो भी आता है, राम जेठमलानी एक जनरेशन नहीं, हमारे पहले की जनरेशन के, हमारी जनरेशन के और जो इसके बाद की जो जनरेशन है उसके सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहे। एज अ लॉयर, एज अ टीचर ऑफ लॉ, एज अ पॉलिटिशियन ऑल्सो। राम जेठमलानी ने अपने करियर में अब तक सैकड़ों केसेस लड़े हैं, कभी जीते तो कभी हार का सामना भी करना पड़ा, लेकिन हमेशा उन्हें धारा के विपरीत चलने वाला व्यक्ति माना गया। आई हैव अ वेरी स्ट्रेंज काइंड ऑफ प्रैक्टिस। आई मेक मनी एट द बार ओनली फ्रॉम अबाउट 10% ऑफ माई क्लाइंट्स। For 90% of my work is free work even now. So I consider my legal profession as also a profession which gives me an opportunity for doing lot of service to my fellow human beings, particularly those who want to knock at the doors of courts and are not able to pay for good legal services, and I offer them the best possible services free. And that gives me tremendous, if you ask me, some kind of a spiritual satisfaction. I enjoy it. आइए एक नजर डालते हैं उन केसेस पर
जिन्होंने राम जेठमलानी के करियर को इस मकाम तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। साल 1959, ये वो साल था जब एक वकील की हैसियत से राम जेठमलानी का नाम पहली बार लोगों की जुबान पर आया। उन्होंने उस समय के सबसे चर्चित के.एम. नानावटी और महाराष्ट्र सरकार के केस में नानावटी की तरफ से केस लड़ा। मामला काफी बड़ा था। उनके सामने उस समय के सबसे मशहूर वकील यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ थे। लेकिन राम जेठमलानी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने मुवक्किल को बाइज्जत बरी करा लिया। इस केस ने उन्हें पहली बार कानून की दुनिया में अपनी पहचान बनाने का मौका दिया। The defense of a criminal is a professional obligation and specific rules have been framed by the Bar Council of India under the Advocates Act. The rule of the Bar Council of India says that no lawyer shall refuse to defend an accused person on the ground that he believes that his client is guilty or that the people believe him to be guilty or that the defense of that particular individual accused will bring him unpopularity. If I break that rule, I will be guilty of professional misconduct. 1960, इस बार राम जेठमलानी तस्करों के बचाव में उतरे। उन्हें लगता था कि तस्करों को गलत केस में फंसाया जा रहा है। राम जेठमलानी ये केस जीत गए। हालांकि इस मामले को लेकर काफी विवाद हुआ। उन्हें तस्करों का वकील तक कहा जाने लगा। देखो, बाबा का आजी मस्तान का तो अच्छा एडवोकेट थे, अच्छा केस लड़ते थे। उनको आरुमन करने में हर चीज़ में उनकी बहुत माहिर आदमी था। बाप उसको बहुत चाहते थे और उनका एकदम अच्छा संबंध है उनका, एकदम अच्छा संबंध। इन दोनों केसेस ने राम जेठमलानी को न सिर्फ एक अलग पहचान दी बल्कि उनके वकालत के करियर में मील का पत्थर साबित हुए। जेठमलानी रेयर क्वालिटी इज दैट ही कंबाइंस ऑल दिस सब्जेक्ट्स टुगेदर। ही कंबाइंस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ही कंबाइंस ज्यूरिसप्रूडेंस, ही कंबाइंस एविडेंस एक्ट एंड ही विल कंबाइन द स्टैट्यूट व्हिच इज ऑन हैंड, दैट इज मे बी इंडियन पिनल कोड एक्सेट्रा। And he goes to the court armed with this four great subjects, and one doesn't know what argument Mr. Jethmalani will make. इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हत्यारों को फांसी से बचाने के लिए भी उन्होंने लड़ाई लड़ी। श्रीमती इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ था तो उस तारीख को अक्टूबर में मैं नहीं समझता इस विश्व भर में, इस देश भर में एक व्यक्ति रहा हो जिसने सोचा हो कि उन तीन व्यक्तियों ने उनका कत्ल नहीं किया। अगर उन तीनों के लिए अलग अलग वकील और विशेष रूप से उनमें से एक के लिए राम जेठमलानी नहीं होते वकील, तो क्या आप समझते हैं संभव कि तीनों को कन्विक्ट और सजाए मौत दी गई ट्रायल कोर्ट द्वारा, उनमें से एक को जीवन काल कर दिया गया हाई कोर्ट द्वारा और दो को सजाए मौत रखी, और उच्चतम न्यायालय ने में राम जेठमलानी ने बहस की और एक को एक्विट कर दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषी मुरुगन, संथन और एजी पेरारी वलन की फांसी के खिलाफ भी कोर्ट गए। चर्चित स्टॉक मार्केट स्कैम मामले में आरोपी हर्षद मेहता और केतन पारिक के वकील के रूप में राम जेठमलानी ने केस लड़ा। ऐसा कोई भी फील्ड लीगल प्रोफेशन में नहीं था या ऐसे कोई भी केसेस लीगल प्रोफेशन में नहीं थे जो राम साहब ने चलाए नहीं। आई हैड सीन हिम आर्ग्यूइंग इनकम टैक्स रेफरेंस, आई हैव सीन हिम आर्ग्यूइंग लेबर लॉ पिटिशंस इन द हाई कोर्ट, आई हैव सीन हिम आर्ग्यूइंग द मोस्ट हॉटली कॉन्टेस्टेड सिविल सूट इन हाई कोर्ट व्हिच वेंट ऑन फॉर मोर देन 6 to 7 months एंड ही लेड द बैंक चार्टर्ड बैंक मैटर एंड सक्सीडेड इन दैट। हवाला कांड में बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी का भी केस उन्होंने लड़ा। अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान के लिए भी राम जेठमलानी ने केस लड़ा। जेसिका लाल मर्डर केस में आरोपी मनोज शर्मा, सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, कांग्रेस नेता अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी, 2G केस में कणी मोजी,
रामलीला मैदान केस में बाबा रामदेव, छात्रा यौन शोषण केस में आसाराम बापू, चारा घोटाला केस में लालू यादव का केस भी राम जेठ मलानी ने ही लड़ा। हाल में ही AIADMK सुप्रीमो जयललिता का केस भी उन्होंने लड़ा। यह फेहरिस्त बहुत लंबी है। His own arguments of Kafepoosa detention matters of various smugglers, those big names which you must have heard of, Haji Mastan, Yusuf Patel, Ram Narang, Manohar Narang, he argued those petitions in High Court and Supreme Court. And you open any book of law, any authority on this issue, you will find arguments of Mr. Jethmalani. ये एक नैसर्गिक देन है उनको कि ही स्टिल मीन्स एक्टिव एंड यू नो प्रैक्टिसिंग। वैसे उन्होंने कई बार कहा है कि भाई मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगा आगे, मगर एक बार ऐसी बात वाकया भी हुआ कि मैंने उनको पूछा कि राम यू हैव बीन टेलिंग कि भाई इसके बाद मैं अपेयर नहीं होऊंगा, आई वुड लाइक टू एन्जॉय माई रिटायर्ड लाइफ। वो कहते हैं मैं क्या करूँ, लोग ऐसे ऐसे केसेस लेके आ जाते हैं कि मुझे कानून की एक इसके लिए यानी लोगों के हकों के लिए लड़ने के लिए मजबूर होकर केस लड़ना पड़ता है। रेयर इन दिस कंट्री एंड आई वुड से एनीवेयर इन द वर्ल्ड दैट अ मैन वुड हैव प्रैक्टिस्ड लॉ फॉर द नंबर ऑफ इयर्स दैट ही हैज। ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग आई थिंक एट द एज ऑफ 17 एंड एट द एज ऑफ नियरली 93 ही इज स्टिल प्रैक्टिसिंग वेरी एक्टिवली एंड एट द टॉप ऑफ द करियर। आई थिंक 75 ऑड इयर्स for somebody to practice at that level is probably unique in the world. Commitment hai profession ke liye wo bahut zyada hai, ek jo katibaddhata hoti hai wo unke sath bahut zyada hai aur wo usko apni duty samajh ke karte hain. Makes a humble beginning while addressing the court, he starts modestly but gradually his voice booms. I had that experience. In fact, he was sitting in my court and that time he was just sitting like any other lawyer in the corner. He never tried to make his presence to be noticed or, but then when the argument started, slowly of course he made his point. He has got excellent pursuit. Shikarpur, jahan pe inka janam hua, wahan pe ek lovers bridge hai, jahan pe wo log jaate the jo apne mohabbat mein nakamyab hote the. आपको बताते हैं राम जेठमलानी की निजी जिंदगी की कुछ अनसुनी बातें। इस अजीम शख्सियत के कद को पहचानने के लिए जरूरी है उनके बचपन के बारे में जानना। 14 सितंबर 1923 पंजाब के सिंध प्रांत के शिकारपुर में बूलचंद गुरमुखदास जेठमलानी और पार्वती बूलचंद के घर बधाइयां गाई जा रही थी। उनके घर बेटा जो हुआ था, माता पिता की आंखों में अपने बेटे को एक बड़ा आदमी बनाने का सपना था। राम जेठमलानी को प्रारंभिक शिक्षा के लिए लाहौर के एक स्कूल भेजा गया। पढ़ाई में उनका इतना मन लगा कि दूसरी, तीसरी और चौथी कक्षा की पढ़ाई महज एक साल में ही पूरी कर ली। इतना ही नहीं, मैट्रिक 13 साल की उम्र में और LLB सिर्फ 17 साल की उम्र में कर ली। उस समय LLB करने के लिए कम से कम 21 साल उम्र निर्धारित थी, लेकिन राम जेठमलानी की काबिलियत को देखते हुए सरकार ने सिर्फ 17 साल की उम्र में ही उन्हें इसकी अनुमति दी। I belong to a family of lawyers. My father, my grandfather, my many uncles, most of them were in the legal profession, and so I was very fascinated by this practice of law. And so far as I am concerned, even at that young age, I had formed almost a determination that I shall become a lawyer. But my father had different ideas about my education, and he forced me into the science college. I was very unhappy there. And then after I passed my intermediate science,
Fortunately, the Bombay University started a two-year course. And within the next 2 years, I became a qualified lawyer at the age of 17. And then when I applied for enrollment, I was faced with a rule of the Bar Council, which said that nobody can be enrolled as a lawyer until he completes the age of 21. So my God, I said, this is very unfair. How can I sit at home for 4 years or do some other further education and so on? But I argued my own case before the Chief Justice of Sindh. सबसे बड़ी चीज़ यह है कि उन्होंने जब ये LLB क्लियर किया तब उसकी एज उनकी 17 ईयर्स थी, तो वकालत के लिए 18 साल की ज़रूरत होती है। तो एक साल तक क्या किया जाए, तो उन्होंने एक साल अपना लॉ जो है पढ़ाना स्टूडेंट्स को शुरू कर दिया और उस दिन से आज तक वो पढ़ा रहे हैं। आज भी वो पूना में सिम्बायोसिस कॉलेज में मोस्टली एवरी सैटरडे वो क्लास लेते हैं और मैं ये सोचता हूँ या ये समझता हूँ कि शायद यही उनके जवानी का राज है। राम जेठमलानी ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो प्रेम के बंधन ने भी उनके इर्द गिर्द घेरा बना लिया। 18 साल की उम्र में राम जेठमलानी की जिंदगी में दुर्गा नाम की एक लड़की ने कदम रखा, दोस्ती प्यार में बदली और प्यार शादी के बंधन में। लेकिन राम जेठमलानी का पहला प्यार उनका काम था। शादी के बाद कराची के मशहूर SC शाहनी लॉ कॉलेज से उन्होंने LLM की उपाधि प्राप्त की। आज के दौर में देश के सबसे बड़े वकील के तौर पर अपनी पहचान बना चुके राम जेठमलानी ने अपने करियर की शुरुआत वकालत के प्रोफेसर के तौर पर की। जब सिंध में वो शिकारपुर में रहते थे तो उनके पिताजी इनको वकालत करने के लिए या इनको LLB पढ़ने के लिए नाराज थे कि आप उसमें नहीं जाइए, आप साइंटिस्ट बनिए, डॉक्टर बनिए, मतलब और कोई लाइन आप चुन लीजिए। मगर इनका जो शौक था कि मुझे LLB में ही जाना है, तो शिकारपुर जहाँ पे इनका जन्म हुआ वहाँ पे एक लवर्स ब्रिज है जहाँ पे वो लोग जाते थे जो अपने मोहब्बत में नाकामयाब होते थे, और कई लोग तो वहाँ जाके बैठते थे और उसी नाकामयाबी पे रोते थे, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो सुसाइड कर लेते थे। तो मिस्टर जेठमलानी का क्योंकि मोहब्बत वो ला के साथ थी, LLB के साथ थी, वो भी ऐसे समझता था कि मैं भी इसमें शायद नाकामयाब हो रहा हूँ, वो भी जाके उस ब्रिज के नीचे बैठते थे। 1947, देश बंटवारे की कगार पर खड़ा था, देश की सियासत हर वक्त करवट बदल रही थी। 14 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हो गया। राम जेठमलानी के लिए ये एक परीक्षा की घड़ी थी। कुछ साथियों ने सलाह दी हिंदुस्तान चले जाओ, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान में ही रहने का फैसला किया। As you know, I have been born in one of the cities of Sindh. Of course, I was born in 1923, which means I was born in undivided India. Now, my place of birth and the whole province of Sindh has become a part of Pakistan. जिंदगी दोबारा पटरी पर लौट ही रही थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1948 में एक बार फिर कराची दंगों की चपेट में था। पहले बंटवारे का दंश झेल चुके जेठमलानी ने इस बार अपने दोस्त और बिजनेस पार्टनर AK ब्रोही के कहने पर हिंदुस्तान जाने का फैसला कर लिया। बसी बसाई जिंदगी को छोड़कर हिंदुस्तान आने का फैसला जितना आसान था, यहां की जिंदगी उतनी ही मुश्किल। हिंदुस्तान आने के बाद सबसे बड़ी समस्या अपनी जिंदगी को पटरी पर दोबारा लौटाना था। I mean, I have almost started life in a refugee camp for a while, but then I managed to start practice in Bombay, and I did some 2 or 3 very important cases which I won for my clients. Fortunately, in Bombay, many persons from Sindh had also migrated at the same time, and they were also looking for legal assistance because they had to start their new businesses and to enter into documentation about houses, businesses, and so on and so forth. So
आई थिंक माई प्रैक्टिस वेरी वेरी क्विकली बिकेम अ फ्लरिशिंग प्रैक्टिस। सिंध से जैसे माइग्रेट हुए, वहाँ से जब हम यहाँ हिंदुस्तान में पहुँचे तो गवर्नमेंट ने कुछ 96 कॉलोनीज रिफ्यूजीज के लिए ओपन की थी, जिसमें एक थी कल्याण कैंप, जिसका नाम अभी उल्लासनगर बोला जाता है। वहाँ से इन्होंने भी अपनी ज़िंदगी का शुरुआत किया था और उसके बाद मैं समझता हूँ कि उनको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा। द प्रोफेशन ऑफ पॉलिटिशियंस इज अनफॉर्चुनेटली एट द लोएस्ट वाटर मार्क ऑफ सोशल एक्सेप्टेंस एंड रिस्पेक्टेबिलिटी। And I don't know whether you heard the latest joke about politicians which is circulating. And I have often been sharing this joke with my audiences. उन्नीस में उन्होंने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई में वकालत के प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाना शुरू किया। इसके साथ ही वो देश विदेश की कई संस्थाओं में भी पढ़ाते रहे। जिस तरह फिल्मों में सत्यजीत रे को या दिलीप कुमार को हम जैसे इंस्टीट्यूट के लोग आए हुए भी, जो फिल्म इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन किया जिन्होंने, वो भी उन लोगों को एक इंस्टीट्यूशन के रूप में देखते हैं, उसी तरह से राम जेठमलानी एक इंस्टीट्यूशन है। स्टूडेंट्स के बीच में घिरे रहते हैं, नौजवान लोगों के बीच में घिरे रहते हैं और उनको पढ़ाने में और उनसे बातचीत करने में उनको आनंद आता है। मैं समझता हूँ कि ये सबसे पहला और आखिरी प्यार है उनका। इन जुलाई 2008 डाइड द एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर वाई वी चंद्रचूड़। And Mr. Jethmalani met me in the crematorium, Smashan Bhumi, at that time. As he saw me, he took two confident steps towards me and asked me, Srikant, are you in touch with youth? Are you teaching somewhere? So this is his concern. Even in the crematorium, he is thinking about someone teaching and someone keeping in touch with the youth of the country. That is his great point. I am very, very, very happy that I am in the company of the young. And the great King Solomon of history left a prescription for eternal youth. And the prescription that he left was that the older you get, the younger should be your company. I follow the teaching of King Solomon, and that is why I go to the colleges and teach, and I never refuse an invitation from any college in any faculty. I never refuse an invitation to go and talk to them, address them, answer their questions, and sometimes even teach them. तभी उनकी जिंदगी में एक और मोड़ आया। पेशे से वकील और दोस्त रत्ना शाहिनी से उनकी नजदीकियां बढ़ने लगीं। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के इतने करीब हुए कि दोस्ती प्यार और फिर प्यार इकरार में बदल गया। ये जानते हुए कि राम जेठमलानी पहले से शादीशुदा हैं, रत्ना शाहनी ने उनसे शादी के लिए हां कर दी और फिर दोनों हमेशा के लिए एक दूजे के हो गए। राम जेठमलानी को दोनों पत्नियों से दो बेटे और एक बेटी है। राम जेठमलानी ने राजनीति में अपने सफर की शुरुआत साल 1971 में बीजेपी और शिवसेना के समर्थन से उल्लासनगर लोकसभा सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर की, लेकिन वो ये चुनाव हार गए। आपातकाल से पहले और बाद में वो भारतीय बार काउंसिल के अध्यक्ष भी रहे। हमारे बीच में करीब करीब 1000 मतों की मत भिन्नता है, मन भित्ता बिल्कुल नहीं है,
ये इसलिए है कि राम जेठमलानी एक बड़े उदार हृदय के व्यक्ति हैं, बड़े विशाल हृदय के व्यक्ति हैं, और मैं समझता हूँ कि वो उनके बहुत एक पैनी दृष्टि और बहुत कड़ी जबान से लोग भयभीत हो जाते हैं, लेकिन अगर आप उनको निकट से जानें तो आपको ये अनुभूति होती है कि ये व्यक्ति मन में कोई दुराव नहीं रखता, मन में विष नहीं रखता, मन में आपसी वैमनस्य नहीं रखता। मेरे विरुद्ध में एक नॉन बेलेबल वारंट बांग्लादेश के बॉर्डर में एक मैजिस्ट्रेट ने, हिंदुस्तान के हिस्सा में ही मैजिस्ट्रेट, पर जो बांग्लादेश के बॉर्डर में उन्होंने नॉन बेलेबल वारंट जारी किया और जेठमलानी ने उस पर खूब पहल की और आखिर में जेठमलानी आखिरी बहस में तो आ नहीं सके, परंतु फिर भी उन्होंने ज़मीन बना दी थी और हम उसमें जो रोक सुप्रीम कोर्ट लगानी थी वो लगा पाए। इसी केस में जल्दी डेट लेने के लिए वो अपना लंच को छोड़ दी और 3 घंटे मेरे साथ चीफ जस्टिस के जो एंटी रूम है उसमें बैठे रहे, जो कोई सीनियर काउंसिल करता नहीं। 77 में मैंने पहली बार उनको चू पे देवानंद, विजयानंद, आत्माराम, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ पहली बार मीटिंग में मिला था। जनता पार्टी उन्होंने बनाई थी, एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, तब उनसे मुझे पहली बार मिलने का मौका मिला। एज अ मैन ही वॉज अ ही इज़ इन फैक्ट इवन टुडे ही इज़ अ ग्रेट ह्यूमन बींग, वेरी जोवियल, वेरी फ्रेंडली। किसी भी जूनियर की डिफ़िकल्टी इमीजिएटली वो हल करते हैं, कभी ऐसा नहीं सोचते कि मैं इतना सीनियर हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ, ऐसे जूनियर के साथ कैसे बात करूँ। He has always been very kind to all of us. आपातकाल के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर उन्होंने निशाना साधा और इंदिरा गांधी को जिम्मेदार ठहरा, जिसके लिए उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ। कुछ लोगों की वजह से, कुछ लोगों की घेराबंदी की वजह से पॉलिटिक्स में, राजनीति में इनके ऊपर जो प्रहार है, इनको चक्रव्यूह में डालने की कोशिश की, कई बार तो निकलते गए, लेकिन एक दो बार ऐसा भी हुआ है कि चक्रव्यूह के शिकार हुए। लेकिन मशहूर वकील नानी पालखीवाला के नेतृत्व में 300 से ज्यादा वकील वारंट के खिलाफ सड़कों पर आ गए। वकीलों ने बंबई हाईकोर्ट से वारंट के खिलाफ स्टे ऑर्डर ले लिया। जेठमलानी कैनेडा चले गए, हालांकि बाद में उन्होंने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। I think it was in 1975-76, he contributed tremendous to the law of detention, preventive detention. There was an order against him issued by the government of then led by Prime Minister Mrs. Indira Gandhi. A whole entire bar stood by him. A petition was argued by a great eminent lawyer like Mr. Palkhiwala on behalf of Mr. Ram Jethmalani. A battery of senior counsel who is supporting and standing by, and all of us, at least 200 lawyers, stood by to support Jethmalani. I have always fought for causes. I fought against Mrs. Gandhi's emergency, so much so that there was a warrant out for my arrest, but the High Court of Bombay had stayed the execution of that warrant. And the matter was taken up in the Supreme Court. Mrs. Gandhi took this matter to the Supreme Court by way of appeal from all the Indian High Courts. All Indian High Courts had held that in spite of the emergency of Mrs. Gandhi, the courts were absolutely competent with perfect jurisdiction to protect the human rights, and wherever liberty had been wrongly taken away, they could release people. But then, of course, the Supreme Court, I regret to say, that delivered a judgment which has disgraced the judiciary for all time. It's got the famous, notorious Jabalpur judgment, they call it. And they said that during the emergency, the judges are totally impotent and they can't protect the life and liberty of citizens. And when that judgment was delivered in the morning, that night I left India, managed to escape from India, reached the United States, and I am the only citizen who got political asylum in the United States. And they allowed me the right
to earn a livelihood there, to live there. राजनीति में उनकी मुराद तब पूरी हुई जब 1980 के लोकसभा चुनाव में बॉम्बे नॉर्थ वेस्ट संसदीय सीट से वो मैदान में उतरे और राजनीति में पहली बार सफलता हासिल की। लेकिन 1985 में वो कांग्रेस प्रत्याशी सुनील दत्त से चुनाव हार गए। फिर 1988 में वो राज्यसभा के सदस्य बने। इसके बाद 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वे कानून, न्याय और कंपनी मामले के राज्य मंत्री बनाए गए। इसी साल वो अंतरराष्ट्रीय बार एसोसिएशन के सदस्य भी चुने गए। I have been in parliament from 77 onwards and practically till today I have been all the time a member of parliament. So I am today perhaps the oldest member of parliament now. And I have enjoyed my political work. I have fought against the establishment. मैं समझता हूँ मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो अपने आप को मैंने अपने राजनीतिक जीवन का प्रारंभ भी सही मानों में मैंने राम जेठमलानी जी के साथ किया था। यानी पहली कैंपेनिंग जो आज मुझे स्टार कैंपेनर के नाम से दुनिया में लोग जानते हैं, मैं समझता हूँ जहाँ तक मुझे याद है सबसे पहली कैंपेनिंग जो मैंने की थी विशाल जनसमूह को समर्थित, ये सर विशाल जनसमूह को मैंने एड्रेस किया था, उनसे बातचीत की थी, भाषण दिया था, कैंपेनिंग की थी या संबोधित किया था, वो मैंने राम जेठमलानी के लिए किया। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी दूसरी बार सत्ता में लौटे। इस बार राम जेठमलानी को कैबिनेट में जगह दी गई, लेकिन तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश आदर्श सेन आनंद और अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी से मतभेद के चलते उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में लखनऊ संसदीय सीट से वो अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतर गए, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। I am a politician, but today the profession of politicians is unfortunately at the lowest watermark of social acceptance and respectability. And I don't know whether you heard the latest joke about politicians which is circulating. And I have often been sharing this joke with my audiences that if one politician falls into the river and drowns, it will be a simple case of pollution. But if all the politicians fall into the river and drown, it will be the solution. Sir, ka jo energy level aur unka spirit और उनका जो यहाँ इंस्पिरेशन है इवन फॉर ऑल ऑफ अस दैट इज ट्रेमेंडस। आज के तारीख में हमारे हिंदुस्तान के सबसे बड़े जिनको हम डॉयन कहेंगे, जिनको हम लिविंग लेजेंड कहेंगे, ऐसे वकील है। ऐसा इंसान बिरले ही कभी कभी दिखाई पड़ता आता है। आजकल तो लगता है कि ऐसा मॉडल बनना बंद हो गया है। दस में बीजेपी ने उन्हें एक और मौका दिया और वो राजस्थान से राज्यसभा के लिए चुने गए। 2013 में बीजेपी में रहते हुए पार्टी के खिलाफ बयानबाजी के लिए उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। पार्लियामेंट्री बोर्ड इसके ऊपर चर्चा बहस करने के बाद यूनैनिमसली इस निर्णय पर पहुंचे हैं और उसका नतीजा है कि आज लेटर श्री आनंद कुमार जी जो सीनियर मोस्ट जनरल सेक्रेटरी है उनके नाम पर एक चिट्ठी गया है कि सस्पेंशन फॉर 6 इयर्स। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट टुडे आई एम एन एक्सपेल्ड मेंबर फ्रॉम द बीजेपी आफ्टर माय ग्रेट रोल इन द फाउंडिंग ऑफ द बीजेपी। आई एम अ फाउंडर मेंबर ऑफ द बीजेपी। आई हैव बीन ए मेंबर ऑफ द बीजेपी एंड व्हेनेवर दे हैव बीन
too irritated with my freedom of speech and freedom of thought. I have quietly left the party, and then they have invited me last time in 2010. I was not their member for some time. They invited me, and I recorded in my letter that I am joining your party, but it is understood that my views on all subjects are known to the party. I am not going to change them because I am joining your party, but I have the right to change you. And yet, the BJP, acting on the advice of some people for whom I have no respect at all, they call themselves BJP leaders, have expelled me from the party. Ram Jethmalani is a genius. और आज उनको पार्टी से मेरा ख्याल है सस्पेंशन में उनको लटका कर रखा हुआ है. मैं पार्टी के निर्णय को तो चुनौती नहीं दूंगा, लेकिन मुझे ज़रूर ये दुख होता है कि ऐसा आदमी, इतना विद्वान आदमी, इतना बढ़िया आदमी, ऐसा ज़बरदस्त, शानदार, जानदार और दमदार जेठमलानी को, वो भी आज के दिन, इतने एक्सपीरियंस आदमी को आज के दिन ने सस्पेंड कर रखा है. मैं तो अपील करता हूँ, अपील ही कर सकता हूँ कि उनका सस्पेंशन रिवोक किया जाए कम से कम. 2014 लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने तत्कालीन गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने की जोरदार वकालत की. चुनाव में बीजेपी की जीत भी हुई. नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री भी बन गए. लेकिन राम जेठमलानी ने यह कहकर एक बड़े विवाद को जन्म दे दिया कि उनका नरेंद्र मोदी के साथ ब्रेकअप हो गया है. आई लीव टू मिस्टर मोदी. आई एम डिसअपॉइंटेड विथ मोदी. दैट इज वाई आई हैव रिटन टू हिम इन राइटिंग एंड पब्लिश्ड इट इन राइटिंग दैट आई एम सॉरी दैट यू हैव फॉरफिटेड ऑल द रिस्पेक्ट दैट आई हैड फॉर यू. फॉर एज आई एम कंसर्न, आई एम नाउ लिविंग इन द डिपार्चर लाउंज ऑफ गॉड्स एयरपोर्ट एंड आई वॉन्ट नथिंग फ्रॉम यू एंड नथिंग मीन्स नथिंग. But do please fulfill your promises to the people of India. And one of the promises that he had made, which had impressed the poor people in this country who voted for him, was that he will bring back this stolen wealth of India and see to it that it gets back into the pocket of our poor citizens. I was hoping that Mr. Modi would seriously try to fulfill this promise, and unfortunately both his finance minister and some of his law officers and other bureaucrats have done nothing to recover this money, and on the contrary they have deliberately done certain things which will not bring back that money. बहुत कम लोग जानते हैं कि राम जेठमलानी जितने अच्छे वकील हैं उतने ही अच्छे लेखक भी हैं. वो अब तक कई किताबें लिख चुके हैं. मैवरिक अनचेंज्ड अनरिपीटेंट, कॉन्शाइंस ऑफ अ मैवरिक, बिग ईगोज स्मॉल मैन, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज और जस्टिस सोवियत स्टाइल. राम जेठमलानी को उनके काम के लिए कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है. इनमें प्रमुख हैं इंटरनेशनल ज्यूरिस्ट अवार्ड, वर्ल्ड पीस थ्रू लॉ अवार्ड, साल 1977 में फिलीपींस में ह्यूमन राइट्स अवार्ड. कुछ लोगों का उत्कृष्ट काम और अपार सफलता ही उनका परिचय बन जाती है. कानून और वकालत के क्षेत्र में राम जेठमलानी को ऐसी ही शख्सियत के रूप में देखा जाता है. उनके क्योंकि बहुत काइंड हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पिंग हैं, बहुत चैरिटी करते हैं, गरीबों की बहुत मदद करते हैं, बहुत बढ़िया. ऐसा इंसान बिड़ले ही कभी कभी दिखाई पड़ता आता है. आजकल तो लगता है कि ऐसा मॉडल बनना बंद हो गया. कम तो हो ही गया था, अब लगता है बंद हो गया. ऐसा संपूर्ण व्यक्तित्व जिसमें क्या नहीं है, विजडम है, सब कुछ है, परफॉर्मेंस है, ऑरेटरी है, ड्यूटी है, नॉलेज है, ऐसा गजब का. और वो आदमी साथ साथ कितना काइंड है, चैरिटेबल है, बढ़िया है. मिस्टर जेठमलानी साहब,
बड़े प्यारे इंसान है, सबसे प्यार से मिलते हैं और प्यार में उनका विश्वास है। मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा सबको कि उनका पहला और आखिरी प्यार एक ही है जो मैं जानता हूँ, वो है उनका लॉ के प्रति, अपने वकालत, अपने प्रोफेशन के प्रति। वेल, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से इन अ वेरी शॉर्ट सेंटेंसेस और इन अ शॉर्ट टाइम अबाउट हिम। मेरे हिसाब से आज के तारीख में हमारे हिंदुस्तान के सबसे बड़े, जिनको हम डॉयन कहेंगे, जिनको हम लिविंग लेजेंड कहेंगे, ऐसे वकील हैं जिनकी बुद्धि की सीमा नहीं है। एंड देयर इज़ नॉट अ वन सिंगल फील्ड इन द लीगल प्रोफेशन दैट ही हैज़ नॉट कॉन्कर्ड एंड शोन हिज मार्क्ड इंटेलिजेंस सो फार। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो जो सारे मुकदमे लड़ते हैं वो सब ठीक ही होते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो जितनी बातें कहते हैं वो सब ठीक होती हैं। मैं ये भी नहीं मानता हूँ कि वो जितनी तीव्र आलोचना करते हैं लोगों की वो सब आलोचना औचित्यपूर्ण होती है, ये भी नहीं है। लेकिन उनकी जो निर्भयता है और उनमें जो साहस है वो अद्भुत है। राम जेठमलानी 92 साल के हो गए हैं। इस उम्र में भी वो खुद को एकदम फिट रखते हैं। आइए जानते हैं उनकी फिटनेस का राज। राम जेठमलानी की दिनचर्या सुबह 6 बजे शुरू होती है। वो सुबह नियमित योगा करते हैं जो करीब आधे घंटे तक चलता है। योग के बाद जेठमलानी चाय की चुस्कियों के साथ कई जड़ी बूटियों का सेवन करते हैं। फिर थोड़ी देर आराम करते हैं जो कि करीब 10-15 मिनट तक चलता है। इसके बाद वो अपने बैडमिंटन कोर्ट का रुख करते हैं जहां उनकी टीम के लोग उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। और फिर शुरू हो जाता है दो टीमों के बीच घमासान जो करीब 1 घंटे तक चलता है। बैडमिंटन कोर्ट में जेठमलानी किसी 16 साल के युवा की तरह नजर आते हैं, जोश और फुर्ती से भरपूर। उन्हीं को देख के मोटिवेशन मिलती है कि अगर 93 एज के कोई इतने बड़े सीनियर आदमी खेल सकते हैं तो हम लोग जरूर कुछ ना कुछ कर सकते हैं। और काफ़ी बार मैंने उनको देखा सुबह उठ के, वो लोग सर जो हैं अपना ग्राउंड में ग्राउंड के अंदर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, बॉडी वार्म अप कर रहे होते हैं, बट 93 की एज में करना हैट्स ऑफ। मैं देख रहा हूँ कि सर का जो एनर्जी लेवल और उनका स्पिरिट और उनका जो यहाँ इंस्पिरेशन है इवन फॉर ऑल ऑफ अस, दैट इज़ ट्रेमेंडस। और सर रोज़ाना जो है कम से कम मेरे ख्याल से 45 मिनट 1 घंटा यहाँ पर पूरा अपना फुल एनर्जी से खेलते हैं और ही एंजॉयज एंड ही आल्सो मेक्स अस एंजॉय। बैडमिंटन खेलने के बाद जेठमलानी अपनी स्टडी रूम का रुख करते हैं। वहाँ वो कुछ न्यूज़पेपर के पन्ने पलटने के बाद किसी केस से जुड़ी फाइलों में मंथन करते हैं। इन सब के बाद वो तैयार होकर ऑफिस के लिए रवाना हो जाते हैं। राम जेठमलानी आज उस मकाम पर खड़े हैं जहां पहुंचना हर किसी का सपना होता है। उन्होंने एक छोटी सी शुरुआत कर जो कामयाबी हासिल की है वो दूसरों के लिए एक मिसाल है।